हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 हेल्दी फूड्स जो कि आपके दांतों के लिए अच्छे हैं। यानी कि हम अपने भोजन में, अपने खाने में ऐसी क्या चीज़ें खाएं कि जिससे हमारे दांत स्वस्थ रहें और उनमें जल्दी कीड़ा ना लगे। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है कैल्शियम का। जैसा कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं, कैल्शियम हमारे दांतों के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो बोला जाता है दूध पियो, उससे दांत मजबूत रहेंगे, हड्डी मजबूत रहेगी। तो कैल्शियम का हमारे दांतों की स्ट्रेंथ में और हड्डी की स्ट्रेंथ में जो है बहुत अच्छा रोल है। दांतों में कैल्शियम का ये रोल होता है कि कैल्शियम जो है वो दांतों को रीमिनरलाइज करता है। मतलब हमारे दांत में अगर बैक्टीरिया लग रहा है, उसमें कैविटी हो रही है, तो वो जो बैक्टीरिया है वो एसिड रिलीज करते हैं। वो मुंह में जो खाना आपके फंसा रहता है वो बैक्टीरिया वो खाते हैं, और उनका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो एसिड होता है। वो एसिड रिलीज करते हैं और वो एसिड हमारे दांत को सड़ाता है या गलाता है। तो कैल्शियम इसका उल्टा काम करता है, कैल्शियम हमारे दांतों को रीमिनरलाइज करता है। यानी जहाँ से भी वो एसिड लग के जो आ आपका रहा दांत, है, कैल्शियम उस दांत को वापस बनाता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। तो अब ये जानना ज़रूरी है कि कैल्शियम हमारे कौन कौन से भोजन पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दूध में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, और भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दही है, चीज़ है, उसमें भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा फिग यानी कि जो अंजीर होती है, उसमें कैल्शियम काफ़ी होता है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो सी फूड खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, उसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। और इसके अलावा बेकरी आइटम्स की अगर बात करें तो चीज़ में जो है काफ़ी कैल्शियम होता है। तो आप अगर इन चीज़ों का पर्याप्त मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी और आपके दांत और आपकी बोन्स मजबूत रहेंगे। तो इसमें अब सेकेंड पॉइंट जो है नंबर 2 पे आता है वाइटामिन डी। वाइटामिन डी जैसा हम लोग जानते हैं, वाइटामिन डी का भी अच्छा रोल है बोन्स में और टीथ की मजबूती में। इसीलिए बोला जाता है कि बाहर धूप में जाके बैठें, धूप में जाके बैठने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो वाइटामिन डी का काम क्या होता है? वाइटामिन डी जो है वो एक कम्युनिकेटर है, यानी कि वो आपके पेट में जो इंटेस्टाइन है, उस इंटेस्टाइन को वो ये सिग्नल देगा कि उसको कैल्शियम एब्जॉर्ब करना है। तो अगर आपको वाइटामिन डी की कमी हो रही है और कैल्शियम आपके शरीर में है लेकिन वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो वाइटामिन डी का ये काम है कि वो उस कैल्शियम को अवेलेबल कराता है और उसको एब्जॉर्ब कराता है बॉडी में, ताकि कैल्शियम अपना काम कर सके। तो इसीलिए हम लोग वाइटामिन डी को कम्युनिकेटर बोलते हैं। तो वाइटामिन डी भी डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, सीरियल्स में पाया जाता है, और एग में होता है, और नॉनवेज में, फिश में और सी फूड में पाया जाता है। अब थर्ड जो न्यूट्रेंट है जो हमारे दांतों के लिए आवश्यक है वो है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो है वो एक नेचुरल प्रोटेक्टेंट है हमारे दांतों के लिए, और वो हमारे दांतों का मेन कंपोनेंट है। मतलब फॉस्फोरस और कैल्शियम मिल के एक कंपाउंड बनाते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि आपके दांतों में पाया जाता है। तो अगर फॉस्फोरस की कमी होती है शरीर में तो आपका दांत अंदर से कमज़ोर बनता है। तो इसलिए फॉस्फोरस जो है वो मजबूती प्रदान करता है आपके दांत को। तो फॉस्फोरस किन किन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है? फॉस्फोरस जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है, फॉस्फोरस नट्स में होता है, सीड्स में होता है, डेयरी प्रोडक्ट में भी पाया जाता है, और फिश में पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम अपनी रूटीन डाइट में अगर इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे दांत मजबूत रहेंगे। तो फोर्थ जो न्यूट्रिएंट है जो हमारे दांतों के लिए आवश्यक है वो है पोटेशियम। पोटेशियम मैग्नीशियम के साथ काम करता है और ब्लड में एसिडिटी लेवल को कंट्रोल करता है। अगर हमारे खून में एसिडिटी लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो वो एसिड हमारे शरीर का सारा कैल्शियम जो है हटा देगा, उसको डिप्लीट कर देगा। तो पोटेशियम मैग्नीशियम के साथ काम करके हमारे ब्लड के एसिडिटी लेवल को कंट्रोल रखता है, जिससे कि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा ठीक रहे। अब किन किन खाद्य पदार्थों में पोटेशियम ज़्यादा होता है? तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है केले में, यानी कि बनाना में। और अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो ब्रोकोली में पोटेशियम होता है, फ्रूट्स में पोटेशियम पाया जाता है, जो बीन्स होती हैं उसमें होता है, और स्पिनच यानी कि पालक में होता है, और आलू में होता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों का रूटीन में अपने भोजन में प्रयोग कर रहे हैं तो पोटेशियम की मात्रा पर्याप्त रहेगी।
तो हमारी लिस्ट में फिफ्थ जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन के। विटामिन के जो है आपके दांत को शक्ति देता है बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, ताकि आपके दांतों में कैविटीज कम लगें। दांत की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको एनामिल बोलते हैं, और जो सेकेंड लेयर उसके अंदर होती है उसको डेंटिन बोलते हैं। तो विटामिन के नई डेंटिन बनाने में भी उसका रोल है, ताकि आपके दांत में कहीं कैविटी हो रही है या चोट लगी है तो वो उसको रीजनरेट करने के काम में भी आता है, और दांत में कीड़े लगने की जो प्रक्रिया है उसको स्लो करता है। तो विटामिन के किन किन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है? विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है, चीज़ में होता है, अंडे में होता है, और सोयाबीन में होता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि विटामिन के जो है पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में आता रहे, ताकि हमारे दांत को स्ट्रेंथ मिलती रहे बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो सिक्स नंबर पे एक और विटामिन आता है, विटामिन सी, जिसको कि हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी जो है वो खट्टी चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, जिसको साइट्रस फूड्स बोलते हैं। तो विटामिन सी जो है आपके मसूड़ों को स्वस्थ रखने में बहुत योगदान देता है। बेसिकली विटामिन सी शरीर में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके मसूड़ों का कनेक्टिव टिश्यू हेल्दी रहेगा तो मसूड़े स्वस्थ रहेंगे, और जिन लोगों में विटामिन सी की कमी हो जाती है उसमें उनके मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़ों में दर्द होने लगता है या स्वेलिंग आ जाती है, और किसी किसी को मसूड़ों में से ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो विटामिन सी को ठीक रखने के लिए हमको नींबू का यूज़ करना चाहिए, संतरे का यूज़ करना चाहिए, और बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च में विटामिन सी होता है, टोमेटो टमाटर में विटामिन सी होता है, और ब्रोकोली में और कैबेज में भी विटामिन सी पाया जाता है। तो हमारी लिस्ट में सेवन न्यूट्रिएंट है विटामिन ए। विटामिन ए जैसे हम लोगों को पता है कि हमारे आँखों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही हमारे मसूड़ों की मजबूती के लिए भी विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है। मसूड़ों का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एपिथीलियल सेल्स होते हैं, तो एपिथीलियल सेल्स की मजबूती में विटामिन ए का रोल है, जो कि आपके मसूड़ों को मजबूती प्रदान करता है। तो विटामिन ए गाजर में काफ़ी पाया जाता है, कैरेट्स में, अंगूर में पाया जाता है, ग्रेप्स में, और बनाना में होता है, स्वीट पोटैटो में होता है, और ऑरेंजेस में होता है। अब एट्थ नंबर पे जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन B6। जैसा कि कुछ लोग जानते हैं विटामिन बी जो है उसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसमें बी के काफ़ी सारे फ्रैगमेंट्स होते हैं, B1, B2, B5, तो उसी में एक B6 है। तो B6 जो है वो शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ताकि जितना भी कैल्शियम अवेलेबल है वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए और वो काम में लाया जा सके। तो विटामिन B6 जो है वो चिकपी में पाया जाता है, बनाना में पाया जाता है, सी फूड में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। तो हमारी लिस्ट में नाइन्थ न्यूट्रिएंट है विटामिन B12। ये भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक कॉम्पोनेंट है। तो विटामिन B12 जो है खून में जो RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनको बनाता है। तो जितने ज़्यादा RBCs होंगे, रेड ब्लड सेल्स होंगे, उतना ज़्यादा जो है ऑक्सीजन आपके शरीर के हर पार्ट में पहुँचेगा, और उससे आपकी उतनी अच्छी हेल्थ रहेगी। दूसरा इसका काम एक ये होता है कि एक अमीनो एसिड होता है होमोसिस्टीन, तो विटामिन B12 जो है होमोसिस्टीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो होमोसिस्टीन जो है वो हमारे दांतों के इनामिल के लिए अच्छा नहीं होता है, वो इनामिल को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो होमोसिस्टीन ब्रेक नहीं हो पाता है, और उससे हमारा इनामिल जो है डैमेज होने लगता है। तो विटामिन B12 भी जो है वो फिश में, पोल्ट्री में, एग्स में, और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। तो हमारी लिस्ट में टेंथ जो न्यूट्रिएंट है जो दांतों के लिए अच्छा है वो है पानी, यानी कि वाटर। तो वाटर जो है उसका बहुत रोल है हमारे दांतों और मसूड़ों की हेल्थ में। जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं उनका शरीर और उनका मुंह स्वस्थ रहता है। आप अगर थोड़ी थोड़ी देर पर रेगुलर इंटरवल्स पर पानी सिप करते रहते हैं तो आपके मुंह में जो गंदगी बन रही है वो बन नहीं पाती है, वो वॉश आउट होती रहती है। जो प्लाक और टार्टर डिपॉजिट है वो कम हो जाता है, आपके दांत साफ बने रहते हैं, और मुंह से दुर्गंध नहीं आती है। तो इसका दूसरा फायदा ये भी है कि अगर आप पानी अच्छी मात्रा में ले रहे हैं तो आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपका पेट भी ठीक रहेगा। क्योंकि पेट की समस्याओं से भी जो है मुंह में दिक्कत हो जाती है, जिन लोगों को ज़्यादा एसिडिटी होती है वो जब डकार लेते हैं तो मुँह में एसिड आता है, तो वो एसिड जो है वो दांतों को गला देता है।
तो इसीलिए जिनके एसिडिटी होती है उनके ये देखा जाता है कि उनके डेंटल प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ रहती है, सेंसिटिविटी हो रही होती है या पेन हो रहा होता है। तो इसीलिए वाटर या पानी का रोल बहुत ज़्यादा है हमारे मुंह को स्वच्छ रखने में, और ये आपके मुंह में जो सलाइवा या लार होता है उसकी भी मात्रा को रेगुलेट करता रहता है, क्योंकि सलाइवा में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके डाइजेशन को अच्छा करते हैं और मुंह में बैक्टीरिया होने को रोकते हैं। तो इसलिए आप अच्छी मात्रा में पानी लें और डेली 2 से 3 लीटर पानी पिएं। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसको शेयर करें। थैंक यू।